स्टार्ट करते हैं आज का हाउस प्लान विथ 3D डिज़ाइन के साथ। ठीक है, आज का जो प्लान है 1000 स्क्वायर फीट के अंदर ये प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आप कैसे प्लान बनाएंगे? अगर आपका 20x50 20 फीट चौड़ाई है और 50 फीट आपका ये विड्थ है, तो इस तरह का प्लान आप बना सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा प्लान का टॉप व्यू है। हमारा पार्किंग का प्रोविज़न रखा है, ठीक है, यहीं पे पार्किंग होगा। नेक्स्ट यहीं पे स्टेयर रहेगा, तो बाहर आउटसाइड स्टेयर है, यहीं पे हमको फ्लोर लेवल में चढ़ना है, इसलिए हमको यहीं पे स्टेयर प्रोवाइड करना है। तो यहीं पे स्टेयर हमको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट यहीं पे हमने क्या करेंगे, यहीं पे जो कॉलम आएगा, कॉलम हमने पहले दिखा देते हैं आपको, उसके बाद वॉल ड्रा करेंगे। यहीं पे आपको कॉलम आ जाएगा, ऐसा टाइप का आपको कॉलम देना है। तो सामने से देखने से 3 कॉलम नज़र में आएगा, तो इस डायरेक्शन में यहीं पे भी वाइट करना है। कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम आप देख ही सकते हैं। तो इस तरफ का डायरेक्शन आपको आएगा, तो पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको बताएंगे। देखिए, इस तरफ का कॉलम आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट देखेंगे तो इस ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहीं पे कितना नंबर्स कॉलम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 नंबर्स कॉलम आपको इस बिल्डिंग को रेडी करने के लिए चाहिए। तो हम चलेंगे यहीं पे, अभी जो वॉल है वॉल को थोड़ा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे वॉल यहीं पे ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट यहीं पे डोर विंडो का प्रोविज़न हमने दिखा देंगे, उसके बाद डिटेल शेयर करेंगे। हमने 7 फीट तक एक्सटेंशन किया है और कॉलम को 8 फीट तक एक्सटेंशन किया है। तो एक्चुअली ये प्लान है, तो प्लान को अच्छा से समझने के लिए हमने इस टाइप का हमने बना दिया है, और वॉल को और थोड़ा छोटा कर देते हैं इस टाइप का, तो हमारा समझने में भी और भी आसान होगा। तो नेक्स्ट यहीं पे जो विंडो है, विंडो और डोर है, वो बैठाएंगे। तो यहीं पे देखिए, जो यहीं पे स्टेयर केस आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट में, और इस तरफ आपको मेन डोर होगा। नेक्स्ट यहीं पे आएगा किचन रूम यहीं पे, और यहीं पे ड्राइंग हॉल, और आपका इस तरफ एक बेडरूम है, इस तरफ एक बेडरूम, इस तरफ एक बेडरूम, यहीं पे अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, और यहीं पे एक अच्छा सा बड़ा सा हॉल आपको दिखने को मिलेगा। तो यहीं पे विंडो वगैरह क्रिएट करके, डोर क्रिएट करके, थोड़ा फर्नीचर ऐड करके, थोड़ा कलरिंग करके हमने मिलेंगे। फाइनली इस तरफ का हमने बना लिया है। तो रैंडमली कलर मैंने यहीं पर चूज़ किया है। तो यहीं पे आएगा पार्किंग, जिसका साइज होने वाला है 13 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 6 इंच, और इस तरफ का स्टेयर रहेगा आपको 6 फीट विड्थ है टोटल। तो आपको एक एक स्टेयर का विड्थ आपको 3 फीट करके मिलने वाला है। तो वहीं पे आएगा ड्राइंग रूम 9 फीट 5 इंच, ये 9 फीट आएगा, 9 फीट बाई आपको इस तरफ मिल जाएगा 11 फीट, ठीक है, सॉरी 7 फीट 7 इंच। तो ये हो गया ड्राइंग रूम। तो यहीं पे चढ़ के आप ड्राइंग रूम पे पहले आएंगे, उसके बाद आप हॉल में प्रवेश करेंगे। तो नेक्स्ट यहीं पे आएगा किचन, तो किचन का साइज होने वाला है यहीं पे, तो
से इतना दूर तक आपको 7 फीट 6 इंच बाई इस तरफ 9 फीट, ठीक है। और हॉल का साइज यहीं पे आपको मिल जाएगा 18 फीट 5 इंच, 18 फीट 5 इंच बाई इस तरफ 9 फीट। ये हॉल का साइज है, बहुत बड़ा हॉल यहीं पे प्रोवाइड किया। और यहीं पे आएगा एक बेडरूम, इस बेडरूम का साइज आपको इस तरफ 9 फीट, सॉरी यहीं पे आपको आएगा इधर से इसी डायरेक्शन में 10 फीट और इस डायरेक्शन पे 9 फीट, 9 बाई 10 का बेडरूम है। नेक्स्ट चलते हैं इस बेडरूम में, आपको इस बेडरूम का साइज आपको मिल जाएगा 12 फीट, 12 फीट और इस तरफ 9 फीट। इस बेडरूम का साइज भी सेम होने वाला है, इस बेडरूम का आपको 9 फीट 5 इंच बाय इस तरफ आपको 12 फीट मिल जाएगा, ठीक है। 9 फीट 5 इंच बाई 12 फीट का बेडरूम है और इस बेडरूम 9 फीट बाई 12 फीट का है। इसके साथ यहीं पे अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया, तो इसका अटैच टॉयलेट का साइज आपको 4 फीट बाई इस तरफ आपको 5 फीट 7 इंच मिलेगा। और यहीं पे कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया, इसका साइज आपको 4 फीट बाई 5 फीट 7 इंच। तो इस कॉमन टॉयलेट को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा 5 फीट 7 इंच यहीं पे 5 फीट रख के आप इस तरफ आप लेंथ कर दीजिएगा, तो यहीं पे आप 6 फीट 7 फीट तक यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि हॉल का साइज बहुत ही बड़ा है। तो आप इस थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, मैंने यहीं पे फ़िलहाल चेंजेस नहीं किया है। तो यहीं पे आपको देखिए विंडो का पोजीशन, यहीं पे डोर मिल गया है, यहीं पे मेन डोर है, मेन डोर क्रॉस करते हैं, यहीं पर आप ड्राइंग रूम में फोकस करेंगे, फिर यहीं पर एक डोर है, डोर क्रॉस करते हैं आपको एक हॉल मिल जाएगा, हॉल का इस साइड में आपको किचन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे एक बेडरूम जिसका डोर इस तरफ है और यहीं पे कॉमन टॉयलेट का डोर है और इस तरफ यहीं पे भी एक डोर होगा, इस बेडरूम का डोर भी इस तरफ प्रोवाइड करना है। तो इस तरफ इस बेडरूम का डोर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहीं पे आएगा कॉमन टॉयलेट इस बेडरूम के साथ, यहीं पे कॉमन है, ठीक है। तो यहीं पे विंडो वगैरह देखिए, यहीं पे बेडरूम में डबल विंडो प्रोवाइड कर दिया है, तो दो साइड पे यहीं पे आएगा बेडरूम का विंडो, यहीं पे लिविंग का ड्राइंग रूम का विंडो, यहीं फ्रंट साइड में एक छोटा सा लंबा सा विंडो प्रोवाइड किया, क्योंकि इस पर कोई आना जाना किया तो उसका नज़र आप रख सकते हैं और यहीं पर स्टेयर हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर एक किचन का विंडो और यहीं पर इस तरफ में आपको एक हॉल में 2 विंडो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हो 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का अंदर हाउस प्लान है, जिसके अंदर आपको 3 बेडरूम मिल जाएगा और एक कार पार्किंग और बड़ा सा एक हॉल आपको मिल सकता है, एक मिल जाएगा।